हाय मैं हूँ जानवी कपूर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ यूट्यूब चैनल नाउ ये लेडी को गुड लक की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका काम बात करता है बट गुड लक जेरी जानवी कपूर कैसी हैं आप ग्रेट है? क्या doing? आपके इंट्रोडक्शन से इतना एनर्जी मुझे मिला अभी अभी आई फील माई मूज बैट ऑलरेडी आप आप बंदूक पकड़ी हैं, ठीक है पोस्टर में तो मुझे लग रहा है यार ये है, फिर आप डरी हुई लग रही इट्स लाइक टू इन वन, सो इफ आई और कभी कभार डर जाती है? मैं दोनों हूँ you know, like जब चाहती हूँ तो मैं भोली बारी मासूम सी बच्ची बन सकती shop, भी बाहर निकाल सकती हूँ like पर जब आप भोली भाली होती है, गेट उस वक्त हो जाती है या जब आप टाइगर तो बंदूक वाला आपके साथ में भोली बनूंगी तुम ऐसे मत करो रुलाओली पगली क्या बट यू नो इतनी छोटी उम्र में आपने बॉडी वर्क जो किया है वो सुपर है सक्सेना हो, हो, हो. तुम्हारा अभी भी मैं मैं गाने में सुन रहा था. कभी-कभार होता है कि यार को अपने पर कर रही हूँ और एक्सपेक्टेशंस इतने हाई होते डायनामिक्स के बारे में सचमुच सोचती है कि नहीं आप मैं मेरे काम को इस तरह से अप्रोच करती हूँ मुझे किरदार और स्क्रिप्ट पसंद आया है मुझे कहानी पसंद आई है मैं उस जर्नी को लेकर एक्साइट हो रही हूँ तो देन दैट्स रीज़न फिर मैं फिल्म करूंगी नाजुक नाजुक कंधों पर फिल्म उठाने का ये जो बोर्ड सब लोग बोल रहे हैं ये मुझे बिल्कुल फील नहीं होता पर एक चीज बोलू नाजुक कंधे आप बोल रही हैं पर जिस तरीके की परफॉर्मेंस पर आप नाजुक बिल्कुल नहीं लग रही हैं है अभी देखते 29 जुलाई के बाद आप मुझे कॉल करके बोलेगा कि नाजुक हूँ या नहीं बट आज के डेन एज में यू यूसो नो राइट नॉन स्टॉप

And uh, and also I was being compared to my mom, who was I think the greatest actor of all time. So i am I'm immune to uh, the comparison thing. I think a little bit. And mm Hamari film is very different. Mm -hmm. Jerry's character, kirdar, uh, Ramam Ki kirdar se very different. Firstly, I think Hamari film North India. She is a Bihari girl, in Punjab, mein, and she was playing a South Indian girl. और तो वो स्वभाव बोलने का तरीका कैरेक्टराइजेशन सब कुछ बिल्कुल अलग है मैं एक चीज बोलूं मैं एक नोटिस करता हूं जैसे आप बोलती है मैं सोच नहीं रही हूं कंपैरिजन के बारे में प्रेशर के बारे में क्या आप ये ऐसे बन चुकी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बाद या फिर आप पहले से ऐसे हो गई थी आई थिंक मुझे पहले से शायद एहसास हो गया था कि अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग गई तो वो मेरे काम को अफेक्ट करे वाट लग जाए हाँ मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी और मैं सही से काम नहीं कर पाऊंगी मेरा फोकस ये है कि मैं सच्चे दिल से साफ दिल से अच्छे नीयत से अपना काम करूँ बिकॉज दैट दैट्स वॉट वर्क फॉर मी जब भी भी मैं कैलकुलेटिव uh, होने की कोशिश करती हूँ या ज़्यादा सोचने की कोशिश करती हूँ या परसेप्शन के बारे में uh, दिमाग चलाने लगती हूँ इट डजेंट वर्क आउट फॉर मी एंड इट्स जस्ट नॉट हुआ आई एम तो मुझे कोशिश ही नहीं करना है तो माने आप बस फ्लोट करती जैसे बटरफ्लाई होता है ना वैसे फ्लाई करती हैं आप हाँ। वैसे होना भी जरूरी आई थिंक सो यू कम सोचते हो उतना आप फेयरलेस बनते हो क्योंकि आप सोचते हो तो आप डायनामिक्स के बारे में सोचते हो फिर आधा टाइम सोचने में निकल जाता है गाड़ी आगे निकल जाती है ना बस करो काम करो करते रहो और जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। दिल से काम करो बस अब दो, आप कह रही थी कि आप कैलकुलेटिव कभी नहीं थी आ, आप हमेशा वो लड़की थी जो काम आया उठाया और किया कभी कभी आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में कैलकुलेटिव होना जरूरी होता है मुझे बहुत कहा गया है कि थोड़ा कैलकुलेटिव होना जरूरी है थोड़ा इमेज बना के रखना जरूरी है बट क्या इमेज माने जैसे जैसे बोलते हैं कि ऑन योर सोशल मीडिया अबाउट लाइक वर्क जस्ट लुक लाइक आप बस योगा करके पार्टी कर रहे हो या खाना खा रहे हो बट जब मैं सेट पे हूँ तो मैं सीन के बारे में सोच रही हूँ

जब तो काम बोलता है ना काम बोलता है तो आपका बॉडी ओवर जैसे यहाँ पे भी तीन फिल्म्स किए हैं मैंने बॉडी ओवर बॉडी ओवर बट 13 फिल्म्स जो आपने किए हैं उसमें आपने गट्स दिखाया है ऑफ पिकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स रियली रियली लाइक दैट लाइक गट्स ये मैं ये भी आप लोगों ने कमाया है बॉक्स ऑफिस ओटीटी पे बाकी लोगों को दिखाना चाहिए <laughs> <laughs> वो बहुत मिलता होगा राइट बट आई लाइक द वे

हाँ कल शायद कोई ऐसी फिल्म आएगी जो मैं भी करना चाहती हूँ और वो भी करना चाहेगी एंड आई थिंक वील कीप दैट सेपरेट फ्रॉम आई क्वेश्चन हम दोनों कोशिश करेंगे लेकिन अगर उससे मिला आर बी हैप्पी फॉर हो एंड एफ आई गर शी बी हैप्पी फॉर मी आई थिंक वी हैव दैट मच्योरिटी एंड क्लैरिटी वी आर लाइक रियली कूल पीपल यू शुड हैंग आउट विद अस ओ वाओ लाइक दिस ये 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 होता ये स्वैग वाला होता है आज के जमाने ये ऐसे राइट वी विल एब्सोल्युटली सो व्हाट शी इंप्लाइज इज मी हैंगिंग आउट विद देम ओके राइट Or don't hang out, just watch our films. <laughs> yes, because we're both great. No, I love the vibe as well. In fact, congratulations, Khushi! film girl gang, It's like a big party going on in the film industry together, all growing together. I guess so. I, I mean, uh, I, I guess it's. A, I mean, it definitely is a good thing. I'm very excited for my sister, my sisters. एंड एवरी वन वूज ए पार्ट ऑफ द आर चीज़ फिल्म बिकॉज मैंने देखा है कि वो पिछले एक साल से एक्चुअली उन्होंने ऑडिशन्स की हैं सिर्फ एक नहीं दो तीन बार और इतने वर्कशॉप्स की है दिन रात आई मीन आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई स्पेंड प्रॉपर टाइम विथ माई सिस्टर क्योंकि वो मतलब सुबह निकलती है चार पाँच एनी वे वो अलग सा आ गया है बट देवर वर्किंग सो हार्ड एंड आई रियली थिंक के अगर जोया अख्तर जैसी डायरेक्टर ने उन्होंने ने उनमें कुछ देखा है देन इट देर नीड्स टू बी समथिंग दे ऑल इमेंसली टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग आई थिंक एंड शी इज़ द बेस्ट डायरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द कंट्री राइट नाउ और उनके हिसाब से इफ माई सिस्टर्स टैलेंटेड एंड हैज समथिंग टू ऑफर टू द इंडस्ट्री देन आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी आई फील लाइक I've already won. Wow, I here's to girl power like this. Aise karna hai, aise karke aise aise karke ियल जेन जी करते नोट वेरी बियॉन्ड मिलेनियो थोड़ा उम्र में बड़ा हो अच्छा थोड़ा, नहीं पता नहीं चलता <laughs>